अंजिल विशियस अपने मैजिक से फालिन, साकी और आसरान पर हमला करती है। फालिन उसके हमले से बचते हुए जाके अपने स्वॉर्ड से उस पर हमला करती है। विशियस कहती है, वह तलवार एक मिथिकल बीस्ट का है, उसके दांत से बनाया गया है ना, मैंने सुना है कि इम्पैक्ट से उसका पावर बढ़ता है। फालिन कहती है, लगता है तुम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानती हो। सेलेस्टियल्स जाती ऐसे मैजिक आइटम्स बनाने में होनहार है, पर तुम्हारा लॉर्ड उन्हीं सेलेस्टियल्स को गुलाम बनाना चाहता है, वो थोड़ा अकड़ू है। विशियस कहती है, काफी भोली भाली हो, ऐसी चीजें साधारण इंसान समझ नहीं सकते। इधर रीने राफाइलो के साथ लड़ रही है। राफाइलो कहता है, तुमने मेरे डिवाइन गार्ड पर आसानी से हमला कर लिया, तुम सच में खतरनाक हो। रीने कहती है, झूठे, मेरे अटैक्स का तुम पर असर नहीं हो रहा है ना। जिस तरह से तुम बने हो मुझे उससे नफरत है। तुम अंजिल सब एक जैसे हो, दूसरों को नीचा समझते हो, इसीलिए ही एल्व्स, फ्यारिस और ड्वार्फ्स भी तुम्हें नीच लगते हैं। राफाइलो कहता है, बताओ अजीब दिखने वाली घुसपैठी, तुम एग्जैक्टली क्या चाहती हो। रीने कहती है, मुझे पता नहीं और मैं जानना भी नहीं चाहती, मुझे जानने की जरूरत नहीं है जब तक काय मेरे साथ है, बस वही मैटर करता है। इधर काय, रेरेन और जीने लॉर्ड ऑफ हेवन अल्फ्रेया के सामने खड़े हैं। अल्फ्रेया कहता है, अभी हम एल्फ्स के ग्रेट एल्डर को सजा देने से शुरू करेंगे। रेरेन याद करती है कि वो पहले कितना अच्छा था, फिर वो गुस्से में उसे कहती है, अल्फ्रेया तुम्हें सेलेस्टियल्स को लीड करने का कोई अधिकार नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे कब्र का रास्ता दिखाऊंगी। वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी अल्फ्रेया एक मैजिकल सोर्ड उस पर छोड़ता है। रेरेन कुछ समझ नहीं पा रही थी, तभी काय आकर सिद्ध के तलवार की मदद से उसके मैजिक को खत्म कर देता है। ये देखकर अल्फ्रेया पूछता है, क्या तुम सच में एक इंसान ही हो या एक एल्फ जो इंसान होने का नाटक कर रहा है। काय कहता है, मैं एक इंसान ही हूँ। अल्फ्रेया कहता है, एक इंसान एक एल्फ को क्यों बचाएगा। काय कहता है, अगर रेरेन को कुछ होगा तो एल्फ्स हम पर गुस्सा हो जाएंगे, यही वजह है उसकी मदद करने का। अल्फ्रेया कहता है, अगर ऐसा है तो तुम भी उस एल्फ के साथ राख बन जाओगे, वह तलवार ये एक साधारण हथियार नहीं है। काय कहता है, ये तलवार डीमन हीरो भानेसा और उसके मैजिक को ख़त्म कर पाया था, इसके पास तुम्हें चैलेंज करने का क्षमता है। अल्फ्रेया कहता है, ओह वो गिरी हुई डीमन कितनी मूर्ख थी कि वो एक इंसान से हार गई। काय कहता है, तुम खुद को ऊंचा समझते हो ना, मैं कह रहा हूँ कि क्या तुम खुद उस पोजीशन में हो कि भानेसा को मूर्ख बुला सको। अल्फ्रेया कहता है, तुमने अभी क्या कहा। काय कहता है, वो तो अटलिस अपने गुलामों को बचा रही थी। अल्फ्रेया कहता है कि ये उसका डिसीजन है, क्योंकि वो स्वर्ग का सबसे नोबेल और सबसे ब्रिलियंट तारा है, और जो उसकी बातों को नहीं मानते वो उन्हें अपना सेवक नहीं मानता है। जीने कहती है, इसे हम छोटी सोच कहते हैं। वो उस पर एक मैजिकल तीर छोड़ती है। अल्फ्रेया अपने मैजिक से इसे रोकने का कोशिश करता है, पर उसके गाल पर एक चोट पड़ ही जाता है। वो कहता है, एक एल्विन धनुष, इंसान तुम्हें पता भी है उस शरीर के साथ एल्विन हथियार को पकड़ने का क्या मतलब है। जीने कहती है, मेरे लाइफ के खत्म होने के बारे में मैं कुछ भी नहीं सोचती। काय कहता है, तुम्हारा लाइफ जीने इसका मतलब। जीने कहती है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हमें इस अंजल को हराना है। अल्फ्रेया एक मैजिक बेल बचाकर थंडर अटैक करता है, जीने इससे बच जाती है। अल्फ्रेया कहता है, ओ एक एल्फ का सीक्रेट लाइट कार्मेट, ये किसी भी तरह के मैजिक को हैंडल कर सकता है, इवन एक हीरो के अटैक को भी। एक अंजल का सेलेस्टियल आइटम्स यूज करना और एल्विन कार्मेट पहनना स्वीकार नहीं किया जाएगा। वो फिर से वही थंडर अटैक करता है। रेरेन अपनी सात प्रिंसेस गार्डियन से थर्ड प्रिंसेस का पावर यूज करके एक बैरियर बनाती है, जिसकी मदद से ये सब बच जाते हैं। वो कहती है, मैं बार बार इंसानों का कर्जदार नहीं रहना चाहती। काय कहता है, अच्छा होगा अगर हम इसे चार के खिलाफ एक कर पाएंगे तो। रेरेन कहती है, तो हमें पहले ग्रेट एल्डर को पाना होगा। तुम काफी तेज लगते हो इंसान, दोनों ग्रेट एल्डर को आजाद कराने के लिए बढ़ते हैं। अल्फ्रेया कहता है, ये यूजलेस है, वो इनके ऊपर हमला करता है। रेरेन अपने फोर्थ प्रिंसेस अटैक से भी इसे रोक नहीं पाती है, पर काय इसे रोक लेता है। अल्फ्रेया गुस्से में कहता है,
तुम मामूली इंसान काय कहता है, तुम इंसानों को हल्के में ले रहे हो। अंजेल रेरेन क्रिस्टल को तोड़कर ग्रेट एल्डर को छुड़ाने का कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता है, ये क्रिस्टल टूटता नहीं है। रेरेन मन में कहती है, ये कैसे हो सकता है, वो एल्विन खजानों में से एक है, एक कैस्केट जो ग्रेट एल्डर को सील कर सकता है, एक हथियार जो मेरे बैरियर को चीर सकता है, एक बेल जो बिजली को समन करता है, एक बैटन जो एक लाल ब्लेड बनाता है। वो पूछती है, तुम इन सारे मैजिक आइटम्स को एक साथ कैसे यूज कर पा रहे हो, एक हीरो होने के बावजूद भी तुम्हें इसके लिए बहुत सारा मैजिक चाहिए, वो कौन सी पावर है, क्या इसी पावर के बचत से तुम अचानक बदल गए हो। अल्फ्रेया कहता है, ये तो खुशी है, तुम लोगों को रिप्लेस करने के लिए नया सेवक पाने का खुशी। रेरेन पूछती है, वो क्या है। अल्फ्रेया कहता है, मुझे तुम्हारे सामने पेश करने दो, मेरी वफादार सेवक लास्ट राइजर। राफाइलो और रीने की लड़ाई भी जोरदार चल रही है। बीच में रीने बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने पावर से वो उसके आर्मर के हेड पार्ट को तोड़ देती है। विसियस के साथ लड़ते वक्त फालिन अपने साथी आसरान और साकी को विसियस के पंखों पर हमला करने को कहती है। उनके हमला करने के बाद वो विसियस से कहती है, तुम्हारे पंख तुम्हारे मैजिक का सोर्स है और तुम्हारी कमजोरी भी। विसियस कहती है, तुम्हें कैसे पता चला। फालिन कहती है, मैंने एक इंसान से पूछी थी जो कहता है कि वो दूसरे दुनिया से आया है। इधर राफाइलो हार मान जाता है। रीने पूछती है, क्या तुम जान पूछ कर हार रहे हो। राफाइलो कहता है, जब से लॉर्ड अल्फ्रेया बदल गए हैं, विसियस और मैं तब से इसी परिस्थिति का इंतजार कर रहे थे। इधर विसियस भी हार मान चुकी है। वो कहती है, क्या तुम मेरे तरफ से उन दोनों से माफी मांग लोगी, मेरे दो पुराने साथी द ग्रेट एल्डर और रेरिया से। फालिन कहती है, तुमने हमें सीरियसली नहीं लिया, इसीलिए तुम हार गई। अगर तुम माफी मांगना चाहती हो तो हमें वहां ले जाओ जहां वो है। अल्फ्रेया लास्ट राइजर को हमला करने का ऑर्डर देता है और लास्ट राइजर यहां पूरी तबाही मचाती है। जीने उस पर एक एल्विन तीर छोड़ती है, पर सरप्राइजिंगली उसे थोड़ा सा भी चोट नहीं पहुंचता है। रीने ने यहां जीने को उस हमले से बचा लिया है। जीने कहती है, बैटल खत्म हो जाने दो, मैं तुम्हें और काय को डिटेल बताने को कहूंगी। अल्फ्रेया पूछता है, ये अजीब मिलावटी जीव कौन है। काय उसे पूछता है, क्या तुम वर्ल्ड रीइंकार्नेशन के बारे में जानते हो। अल्फ्रेया कहता है, वर्ल्ड रीइंकार्नेशन वो क्या है। काय पूछता है, प्रॉफेट सीध के बारे में। सीध का नाम सुनकर उसे कुछ तो याद आता है। ये देखकर लास्ट राइजर उसे मिटाने का कोशिश करती है और अपने साथ एक पोर्टल में ले जाती है। सब हैरान थे, पर तभी एक पोर्टल से अल्फ्रेया बाहर आता है एक अलग अवतार के साथ। वो बहुत ताकतवर लग रहा था। रीने कहती है, अवतार ओवरराइटिंग। काय याद करके कहता है, पिछली बार ये वर्ल्ड को ओवरराइड कर रहा था और अब ये एक हीरो को ओवरराइड कर रहा है। अल्फ्रेया एक ऐसा अटैक करता है जिसे रीने रोक नहीं पाती है और घायल हो जाती है। रेरेन सिक्स्थ प्रिंसेस बैरियर बनाकर सबको अल्फ्रेया के हमले से प्रोटेक्ट करने का कोशिश करती है, पर इसे भी अल्फ्रेया आसानी से खत्म कर देता है। ये देख के वो हैरान होती है। अल्फ्रेया के साथ लड़ते हुए काय उसे बताता है कि रेरेन उसे कितना मानती है और उसका कितना रिस्पेक्ट करती है। अल्फ्रेया कहता है, तुम मामूली इंसान कुछ भी नहीं जानते हो। काय कहता है, पर मैं जानता हूँ कि तुम वो नहीं हो जिसकी रेरेन कदर करती है, ना ही तुम सेलेस्टियल्स का हीरो हो, तुम बस हीरोज के शक्तियों का एक इमिटेशन हो। ये सुनकर सब हैरान होते हैं।